हेलो दोस्तों, पिछले 1.5 साल से चल रही CUET काउंसलिंग से लगातार हम परेशान हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का, स्पेशली PG एंड UG के स्टूडेंट का कंसर्न आ रहा है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस कि भैया क्या अब हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्या हमें अभी भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल पाएगा, हम क्या करें, अभी क्या सारा सीन है, कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कोई ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बचा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज बचा है जहाँ पे हमें अभी सीट मिल जाए, क्या कोई कॉलेज अभी भी बचा हुआ है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्वारी रिगार्डिंग कॉल्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में भी ज्वाइन कर लेते हैं कि भैया हमें तो किसी भी हाल में सीट चाहिए। एंड आई थिंक कल परसों एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि मेरे को कॉल करके बोलता है कि सर आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो और हमें सीट अलॉट करा दो। सर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट आपको जो है सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकें, लेकिन कुछ जस्ट लाइक इक्विपमेंट्स की वजह से हम आपसे नॉमिनल चार्ज करते हैं। वी डोंट हैव चार्ज एनी, पहले पिछले कुछ सालों में हम काफ़ी हाई चार्ज करते थे, लेकिन हमने अभी जो है ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है, ठीक है। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि कैपेबल नहीं है, उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट की हम फीस भी पे करते हैं, ठीक है। तो यार अब अपन बात करते हैं, स्पेशली PG के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज यार PG के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बिकॉज ही ऑलरेडी सी एंड ही ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अब घर वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भैया तुमने कॉलेज कर लिया, अभी जॉब प्लेसमेंट का क्या है। तो अगर बच्चों को कोई अगर कॉलेज मिल जाता है PG के लिए तो भैया मैं और पढ़ूंगा, अभी अगले साल 2 साल बाद जॉब लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन बहुत सारी फैमिली जैसी होती है जिनका ऐसा सारा सीन होता है कि भैया बच्चा बड़ा हो गया, 22-23 साल का हो गया तो उसकी शादी करा दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस झंझट से परेशान होके भी ये चाहते हैं कि भैया हमारा एडमिशन हो जाए कहीं तो हम हमारी अच्छी ज़िंदगी काट सकें, इस झमेले में बिल्कुल ना पड़े, यह रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप लोग इन सबसे खुश होते हो तो क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो यार अब कुछ बात करते हैं कॉलेजों के, स्पेशली CUET की अगर मैं बात करूँ या फिर तो अदर काउंसलिंग्स होती है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो IKEA का एक एग्जामिनेशन लगता है, उसकी काउंसलिंग 15 तारीख तक है, रजिस्ट्रेशन 500 रुपये चार्जेस लग रहे हैं। फिर आई थिंक 19 तारीख या 16 तारीख जो है लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग करने की। आप वो एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ, और भी कुछ काउंसलिंग है, स्पेशली JEE की जो काउंसलिंग्स है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी, अभी सिर्फ कुछ प्राइवेट कॉलेज एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में काउंसलिंग चल रही है जहाँ पे अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की अगर मैं बात करूँ तो यार अलीगढ़ AMU की आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट स्पोर्ट का सीन कंप्लीटिंग सा आपको लग रहा होगा, बिकॉज ये कॉलेज ऐसा है जहाँ पे बच्चे सीटें छोड़ते नहीं हैं और काफ़ी हाई मार्क्स पे यहाँ पे सीटें अलॉट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो भी आसाम यूनिवर्सिटी है सिलचर वाला, वहाँ पे यार जल्दी आपको स्पोर्ट राउंड देखने को मिल रहा होगा। एंड आई थिंक 3 से 4 ऐसे बच्चे थे लोगों की लगातार कॉल कर रहे थे, एंड पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम भी आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ड्यू टू सम फंक्शन एंड अदर रीजंस, तो अभी आपको पूरा रेस्पॉन्ड किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पेड मेम्बर्स हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको जो है हमारी सीट वगैरह अलॉट कराई जा सके। इसके बाद एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो यार कोई प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हो, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट ऐसे मान सकते हो कि 99.99% सीटें क्लोज हो चुकी है, सिर्फ 0.1% सीटें बची हुई हैं। तो यार वो सारा सीन है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर चले। को सिलेक्शन रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो आप कितने भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो सिलेक्शन रेशियो रहने वाला है वो तो सिर्फ 1% ही रहेगा, ठीक है। अगर आप 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख का ही होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, आप चाहे कुछ मेहनत कर नहीं करोगे तो, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ यार, ये जो BBIU वाला कॉलेज है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी एडमिशन्स जो भी फिर से ओपन हुए थे, रीओपन, ठीक है, PG वगैरह कोर्सेज के लिए, तो आप उसकी लखनऊ वाला जो कैंपस है आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अब यार जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है, व्यूज नहीं आते तो YouTube पे काफ़ी कम वो होता है, तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। उसके बाद सेंट्रल साइंस घाट यूनिवर्सिटी में पंडित जी नहीं बनना है, नो डिमांड कोर्सेज। कुछ कोर्सेज की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन रीओपन स्टार्ट हुए थे,
पीजी वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट जो भी आपको ईमेल वगैरह आ रहा होगा, जैसे सीयू पंजाब वगैरह की तरफ से बच्चों को ईमेल आया था कल परसों, ये आई थिंक 5 से 6 दिन हो गए ईमेल जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन एंड अदर। तो यार बहुत सारे कॉलेज आपको ईमेल डालते हैं, प्राइवेट वाले कॉलेज भी ईमेल डालते हैं कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ पे सीट ले लो एंड। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आप अपने स्पैम फोल्डर ईमेल का चेक करते हो रहो लगातार, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम के पास आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस होता है, तो किसी भी अगर कोई कहीं होती है तो आपकी पूरी हेल्प की जाती है रिगार्डिंग द एडमिशन। और यार आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 1 से 2 वीडियो लास्ट होने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अभी तक ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में भी क्लोज हो चुका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से यार स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस वगैरह रिलीज नहीं किया गया। हालांकि आपको इसके रिगार्डिंग ईमेल वगैरह आप लोग चेक करते रहो, अगर आपको कोई ईमेल वगैरह आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप जो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम जो है बच्चों को बता सकें। अभी जो है ऑन स्पॉट का एक नोटिस आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से, आज ही मेरे को शो कर रहा है, तो क्या सारा सीन है ऑन स्पॉट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑन स्पॉट एडमिशन 14 तारीख दिखा रहा है, 14 दिसंबर को। फ्यू सीट अवेलेबल है कुछ प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि MBA हो गया, MBA इन सोशल वर्क, MA इन हिंदी, MA इन इकोनॉमिक्स, MA इन मटेरियल साइंस, एंड जो भी 14 दिसंबर को ऑन स्पॉट एडमिशन है, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर ऑफलाइन जो भी आप नोटिस चेकआउट करके वहाँ पे ज़रूर से विजिट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर और एडमिशन ले सकते हो। ऑन स्पॉट का नोटिस आ रखा है, ठीक है, तो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से आप लोग इसको ज़रूर से ध्यान में दें, ठीक है। वेन्यू दिया सतीश धवन सेंटर स्पोर्ट्स इसरो बिल्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आगे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हो गया ऑलरेडी 20 नवंबर को। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, केरला की अगर मैं बात करूँ तो देख लेते हैं इसका क्या सारा सीन रहा है अभी। तो यार थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग यूनिवर्सिटी के HOD से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी कोई अपडेट नहीं दे रहा है आप उनके HOD वगैरह से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भैया क्या आपके पास कोई सीट वगैरह है तो दे दो गरीबों को, राइट। मैं तो ऐसा ही करता था पहले, तो दे देते थे बच्चों को। जिनको प्राइवेट या फिर कुछ गवर्नमेंट में लेने की लालसा एकदम फूल जाग उठी है वो हमारे पास कॉल कर सकते हो, ठीक है, चार्जेस लेते हैं हम, फ्री नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, यार बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं तो बहुत धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ वरना मेरी स्पीड बहुत तेज़ रहती है। उसके बाद अगर मैं यार बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो MSc फिजिक्स के लिए काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे स्पोर्ट राउंड एक बार हो चुका है, जल्दी सेकेंड राउंड होने के चांसेस है। साउथ बिहार में PG वगैरह हो चुका है ऑलरेडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में हो चुका है, हरी सिंह गौर में लगातार नोटिस आते रहते हैं, गुरु घासीदास में भी बहुत बार तो हो चुका है, लगातार नोटिस आते रहते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए हो चुका है, फिर से ऑन स्पॉट अगर कोई नोटिस आया तो फिर से देख लेते हैं क्या सारा सीन है यहाँ पर भी, ठीक है, तो एक सेकेंड लगेगा। एंड आई थिंक ये काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी सीटें भी यहाँ पर रहती है, लेकिन प्लेसमेंट वगैरह के मामले में बहुत ज़्यादा घटिया सीन है। तो यहाँ पे यार PG वाले बच्चों के लिए नोटिस आया है स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए, इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो वो आप सभी लोग देख सकते हो, स्पेशली जो भी बच्चे कॉल करते हैं ना कि MSc लाइफ साइंस में चाहिए, उसमें चाहिए, उसमें चाहिए, तो उनके लिए नोटिस आया है स्पोर्ट राउंड इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्या नोटिस है पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा यार रुको भाई, रील देख देख के क्या भागने लगते हो तुम। तो ये UG वाले बच्चों के लिए आई थिंक इंटीग्रेटेड UG वाले बच्चों के लिए होता है, और भी बहुत सारे नोटिसेस आ रखे हैं यहाँ पे, जर्नलिज्म एंड अदर एंड अदर एंड अदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो
तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके क्या सारा सीन है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। IGNTU में ऑलरेडी एक बार तो हो चुका था, अभी अगर कोई नया नोटिस आया तो वो देख लेते हैं कि IGNTU की तरफ से क्या अपडेट है। अगर कोई सीट वैकेंट है तो आपका जरूर से वेलकम है, तो लगातार विजिट करते हुए यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट पे। एक तो गवर्नमेंट वाली वेबसाइटें बहुत धीरे चलती है, परेशान हो जाते हैं हम सर्च करते करते। आपको क्या लगता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं या फिर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं, मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आठ तारीख को नोटिस आया है IGNTU की तरफ से वैकेंट लिस्ट वाला, सेकंड वेटिंग लिस्ट थी ना स्पोर्ट वालों की, तो वो आ रखा है। उसके बाद यार इफ्लू विश्व भारती में काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आप लोगों के अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, तो यूपी वाले बरेली वाले जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है आप उनमें ट्राई कर सकते हो। नीचे की अगर मैं बात करूँ जामिया मिलिया वगैरह वगैरह में तो हम नहीं जाते, एंड मौलाना आजाद भी काफ़ी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो कॉलेजेज है ना, जैसे मिजोरम मेघालय वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड इनमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे जो शहरों के लोग हैं वो तो उधर जाते ही नहीं है। इनके कम मार्क्स होते हैं, जिनको पढ़ना होता है वो बोलते हैं भाई हमको तो कहीं भी मिल जाए तो चलेगा, तो वो लोग इधर जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। इफ्लू में आपके चांसेस है, त्रिपुरा में है, ठीक है, विश्व भारती में है। उसके बाद यार कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी सीटें ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है लेकिन कुछ चांसेस रहते हैं। जैसे यार AKTU के जो अफिलेटेड कॉलेजेज है वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी डॉक्टर अम्बेडकर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, एंड जो दिल्ली वाला डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया हमारा IIIM UT में तो कब का खत्म हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले रॉयल खंड यूनिवर्सिटी बरेली वाला, उसमें भी आपको सीटें मिलेगी, काफ़ी चांसेस रहते हैं क्योंकि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं कि भैया कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वो हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हो। और यार आप लोगों के पास मतलब जस्ट लाइक ऐसा कर सकते हो, अगले साल के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, एंड एक साल मतलब आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चले और अपने लिए कोर्स अच्छे से अच्छा चूज करें। बिकॉज अभी जो रिसेशन चल रहा है बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है लॉस में चल रहे हैं, जॉब्स वगैरह नहीं आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT दिल्ली से हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 4 करोड़ का गया इस बार, एंड जो कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने दिया, इसके साथ ही IIT रुड़की एंड अदर IIT से हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 करोड़ 4 लाख रुपीज का गया। तो ये एक अच्छी अपडेट है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो बहुत अच्छी बात है, 4 करोड़ का पैकेज लगना बहुत आसान ही है।